यहाँ पर हम साइबर मीडिया रिसर्च एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी के फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स और मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। अब देखिए, यहां पर बताया गया है कि साइबर मीडिया रिसर्च एंड सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन एड टेक एंड डेटा एनालिटिक्स बिजनेस। यानी कि ये जो कंपनी है मेनली एड टेक यानी एडवर्टाइजमेंट जो किया जाता है उससे रिलेटेड और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड बिजनेस करने का काम करती है। आगे यहां पर बताया गया द कंपनी हैज 4 रेवेन्यू स्ट्रीम, यानी कि कंपनी 4 तरीकों से पैसा कमाती है। पहला है डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा है प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग, नेक्स्ट है पब्लिशर मोनिटराइजेशन एंड नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, ये प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग या पब्लिशर मोनिटराइजेशन ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, और डेटा एनालिटिक्स तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी इसका आगे बताया जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि आगे चलकर भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप होने वाला है। तो ओवरऑल कहें तो देखिए, जो कंपनी है एडटेक और डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में बिजनेस करती हुई नजर आती है। आगे यहां पर बात करें तो फाइनेंशियल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल एसेट्स वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो आपको लाख में दिखेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट वैल्यू की। तो 31 मार्च 2019 को एसेट वैल्यू 1629 लाख के आसपास रही थी, वहीं मार्च 2020 में यह बढ़कर 1707 लाख के आसपास होती हुई नजर आई। मार्च 2021 में देखें तो 1699 लाख के आसपास इनकी एसेट वैल्यू रही थी, वहीं मार्च 2022 तक देखें तो 2807 लाख के आसपास एसेट वैल्यू बढ़ती हुई नजर आई। वहीं टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो मार्च 2019 में 3870 लाख का रेवेन्यू, मार्च 2020 में 3048 लाख का रेवेन्यू, मार्च 2021 में 3016 लाख का रेवेन्यू और मार्च 2022 में अच्छा खासा करीब 5678 लाख का रेवेन्यू यहाँ पर होता हुआ नजर आया। बात करें प्रॉफिट की, देखिए प्रॉफिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए, और मार्च 2019 में 27 लाख के आसपास का प्रॉफिट, वहीं मार्च 2020 में 7.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 66.29 लाख का प्रॉफिट, वहीं मार्च 2022 में 151 लाख के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट किया। यानी प्रॉफिट लगातार इनका बढ़ता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल में काफी अच्छे बोलूंगा कि फाइनेंशियल यहां पर काफी अच्छे देखने में लग रहे हैं। बात करते हैं यहां पर आईपीओ डिटेल्स की। तो यह आईपीओ 27 से 29 सितंबर के बीच ओपन होता हुआ नजर आएगा, और ₹10 प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। 171 से 180 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 180 रुपए में आपको एक शेयर यहां पर अलॉट होगा, 800 शेयर से एक लॉट में रहेंगे, यानी मिनिमम आप 800 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इश्यू साइज की बात करें तो करीब करीब 14.04 करोड़ के आसपास का ये टोटल इशू होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 7.34 करोड़ के आसपास, वहीं ऑफर फॉर सेल करीब 6.70 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आएगा। बुक बिल्ट इशू रहेगा और एनएससी एसएमई में आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की, यानी कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, कंपनी को क्यों पैसों की जरूरत है। तो फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, दूसरा फंडिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो देखिए, नए प्रोजेक्ट यानी कि इनके पास प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए इनको आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है, और टू मीट द ऑफर एक्सपेंसेस। तो इन तीन कारणों के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, और इसी कारण कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करने की योजना बनाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं लॉट साइज़ की। तो मिनिमम रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स रहेंगे, 1,44,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम लॉट भी आप एक ही लॉट कर सकते हैं, 800 शेयर्स इसमें भी रहेंगे और 1,44,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आईपीओ आने से पहले 63.16% का जो स्टेक्स था वो प्रमोटर्स के पास था, लेकिन आईपीओ आने के बाद जब कुछ हिस्सा मार्केट में आ जाएगा तो 41.66% का ही यहाँ पर स्टेक्स प्रमोटर्स का रह जाएगा, जो कि 50%
परसेंट से कम है, और जनरली जितना ज़्यादा ये होता है उतना ज़्यादा कंपनी अच्छी मानी जाती है और प्रोग्रेस करती है, तो ये काफ़ी कम है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस आई पी ओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। देखिए, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर जान ली है, कंपनी क्या करती है, आई पी ओ की डिटेल्स क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या, सब कुछ हमने समझ लिया। बात आती है कि इस आई पी ओ में अप्लाई करें या फिर इस आई पी ओ को इग्नोर कर दें। तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर बिजनेस की बात करें तो ये लोग मार्केटिंग टाइप का बिजनेस या फिर ये कह सकते हैं कि डेटा एनालिटिक्स टाइप का बिजनेस, ये दो बिजनेस यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। दोनों ही बिजनेस आगे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि मार्केटिंग का आपने देखा होगा हर कंपनी मार्केटिंग कराती है, और डेटा एनालिटिक्स का आज के समय में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो बिजनेस बहुत अच्छे हैं और ये बिजनेस आगे चलकर ग्रो भी करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी ये कंपनी है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। आगे यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल भी बहुत ही ज़्यादा बहुत उम्दा नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी प्रॉफिट कर रही है और कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी ठीक ठाक कह सकते हैं। तीसरी बात मैं अगर बताऊं, यहाँ पर जो आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है, प्राइस आप यहाँ पर देखेंगे 180 रखा गया है, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मतलब प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है। तो तीसरा पॉइंट जो है प्राइस का इशू है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, अगर इसको थोड़ा सा कम रखा जाता तो मुझे लगता है कि आईपीओ और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता। चौथे पॉइंट की बात करें तो देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम कम होती जा रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 41% पर आ गई है, धीरे धीरे करके प्रमोटर्स अपना जो हिस्सा है वो बेच रहे हैं। भले ही कंपनी ग्रो कर रही हो, लेकिन निश्चित रूप से ये काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग नहीं रहती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर 50-50 का चांस बन रहा है। देखिए, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस ग्रोइंग है और इसको स्केलेबल बनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, मतलब कंपनी एक धीरे धीरे अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। तीसरी बात, यहाँ पर प्राइस बैंड थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको प्रीमियम या फिर ऐसा कुछ मिलने की संभावनाएं तो नहीं है। आगे चलकर अगर आप 3-4 साल लगते हैं तो कंपनी ग्रो होगी। अब ग्रो कितना होगी वो तो प्रमोटर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, और प्रमोटर्स का स्टेक्स यहाँ पर कम हो रहा है, वो एक चिंता का विषय है। तो दो बातें चिंता के विषय हैं, एक प्राइस बैंड और दूसरा प्रमोटर्स की होल्डिंग। बिजनेस और फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं, मतलब इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो मेरा यहाँ पर ओपिनियन 50-50 है। मैं यही बोलूँगा, जो बड़े निवेशक हैं, बहुत बड़े निवेशक हैं, केवल वही यहां पर अप्लाई करें जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और वो छोटी छोटी ऐसी कंपनीज में अप्लाई करके अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं, होल्ड करते हैं चीजों को, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जो यहां पर रिटेल निवेशक हैं, वो मैं चाहता हूं कि इसमें रिटेल निवेशक अप्लाई ना करें, क्योंकि कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल अच्छे होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं कि यहां पर रिटेल निवेशकों के लिए खतरा हो सकता है। प्रीमियम की कोई चांस यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरे अनुमान में लगता है। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो बड़े निवेशक, बहुत बड़े निवेशक हैं, रिस्की निवेशक हैं, कोई केवल वही अप्लाई करें, रिटेल निवेशक इससे दूर रहें। ये मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसमें कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें, खुद से एनालिसिस करें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं, प्रॉफिट लॉस आपको होता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। ये मेरा केवल पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल व्यू मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये कोई राय नहीं है जिसको आप माने। आप खुद से करें, उसके बाद ही यहां पर कोई डिसीजन लें। तो देखिए, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके हिसाब से इस आईपीओ में क्या करना चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।